एसडीआई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। कभी कभी तो मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम का नौजवान अब जब घर से निकलता है तो दिल को सीने में नहीं हाथ में लेकर निकलता है। पता नहीं कहां किस गली कूचे में कोई लड़की मिल जाए कि उसके हवाले करना हो। हर किसी को आई लव यू वैलेंटाइन डे करीब है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों अलर्ट हो जाओ, अच्छी तरह से याद रखना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था जो जिस कौम की मुशाबियत करेगा कल कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ग्यारहवीं शरीफ हमने मनाया? क्या दुनिया के किसी ईसाई ने हमारे साथ ग्यारहवीं शरीफ मनाया है? हमने नबी की मीलाद मनाया है? दुनिया के यहूद और नसारा ने हमारे साथ मीलाद मनाया है? बताओ दुनिया की कोई कौम है जो ईद मनाती ये सिवाय हमारे? बकरा ईद मनाती सिवाय हमारे? ग्यारहवीं बारहवीं करती सिवाय हमारे? जिक्रे हुसैन की महफिल सजाती सिवाय हमारे? ऐ मुसलमानों कौन करता है? ये सारे काम सिर्फ हम करते हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, जब दूसरों के त्योहार आते हैं आपको मुसलमान भी पतंग उड़ाता मिल जाएगा, आपको मुसलमान भी पटाखे फोड़ता मिल जाएगा, आपको मुसलमान भी रंग गुलाल उड़ाता नजर आएगा, आपको मुसलमान भी माजल्ला वैलेंटाइन डे मनाता नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबियत करेगा कल कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अरे ग्यारहवीं मनाने वालों जरा सोचो, तुम कयामत के दिन गौसे आजम के साथ उठना चाहते हो कि वैलेंटाइन के साथ उठना चाहते हो? अल्लाह अकबर। तुम्हें वैलेंटाइन प्यारा है कि मेरे नबी का नवासा हुसैन प्यारा है? सुभान अल्लाह। तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसी के रास्ते पर चलो। वैलेंटाइंस डे दुनिया की बातिल कौमें मनाए तो मनाए, लेकिन ए मुसलमान तू हरगिज़ ये ना मनाना, कहे इंशाल्लाह। वैलेंटाइंस डे हलाल मोहब्बतों के इजहार का दिन नहीं है, नाजायज और हराम मोहब्बतों को सेलिब्रेट करने का दिन, नाजायज और हराम मोहब्बतों को सेलिब्रेट करने का दिन। इससे हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं, कहे इंशाल्लाह। जो नहीं आए हैं उनको भी पैगाम पहुंचाए, अपने दोस्त अहबाब को भी जाकर दावत दे। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से मुसलमान लड़कियां बुरखा पहनकर आर्चीज की गैलरी में, यहां वहां गैलरीज में कार्ड खरीद रही होती हैं। कितने का? 150 का। थोड़ा और अच्छा वाला हो तो बताइए, 200-250 होगा तो भी चलेगा। क्यों? वो जानती है ना कि मैं आई लव यू वाला कार्ड 200 रुपए का दूंगी तो वो भी तो साल भर मेरा इंटरनेट रिचार्ज कराता है, वो भी तो मुझे चैन बनवा कर देगा, ब्रेसलेट ला कर देगा, वो भी तो मुझे कॉफी कैफे कॉफी डे में लेके जाएगा, पिज्जा हट पर किसी लवर्स पॉइंट पर माजल्ला लेकर जाएगा। तो लड़की जानती कि मैं अगर 200 को दूंगी तो 2000 का वो खर्चा करेगा। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको इस चीज से अपनी नस्लों को बचाना है। और मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आज वो नौजवान जो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, वो तैयार हो जाए। आज माँ बाप के साथ झूठ बोलते हो, धोखा करते हो, उनकी आंखों में धूल झोंकते हो, तो अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। आज तुम अपने माँ बाप के साथ धोखे करते हो, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही करने वाली है। तब तो वैलेंटाइंस डे पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, तब तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा।